नूरपुर में विद्युत विभाग के विश्राम गृह में डीपू संचालक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीपू संचालन समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने की। अशोक कवि ने प्रदेश सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि प्रदेश सरकार डीपू धारकों की समस्याओं के बारे में गंभीर नहीं है। हाल ही में विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री ने प्रदेश के डीपू धारकों के वेतन देने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रदेश के डीपू धारकों को दूसरे राज्यों की अपेक्षा अच्छा कमीशन सरकार दे रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश की तुलना दूसरे राज्यों से करना गलत है, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी राज्य है और कई जगह 80 से 100 राशन कार्ड के ऊपर डीपुओं पर खोले गए हैं। 100 कार्ड वाले डीपुओं का कितना कमीशन बनता है ये सभी को पता है। अशोक कवि ने कहा कि संबंधित मंत्री द्वारा कहा गया कि डीपू धारकों को गंदम और चावल के ऊपर 143 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मिल रहा है, जबकि ये गंदम और चावल NFSA के कार्ड धारकों के लिए आता है, जो कि डीपुओं में नाम मात्र के हैं। ने रखी है अभी हाल ही में जो विधानसभा सत्र हिमाचल प्रदेश का लगा था, उसमें हमारे हमीरपुर के विधायक माननीय नरेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने विधानसभा में ये क्वेश्चन किया, डीपू होल्डर्स की समस्याओं को रखा, उनके लिए बारे में क्वेश्चन किया। तो उसमें जो हमारे मंत्री हैं, खाद्य पूर्ति मंत्री श्री कृष्णपुर जी, उनका बयान आया कि प्रदेश के जो डीपू होल्डर्स हैं उनको दूसरे राज्यों की अपेक्षा जो है वो अच्छा कमीशन दिया जा रहा है। तो दूसरे राज्यों से तुलना करना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, और इसमें 100-80 राशन कार्डों के ऊपर जो वो डिपो खोले गए हैं, चंबा में ऐसा है, कांगड़ा में ऐसा है, मंडी में ऐसा है, शिमला में ऐसा है। तो जिन डिपो पे राशन कार्डों की संख्या मात्र 80 या 100 होगी, उसके ऊपर कमीशन उसका कितना बनेगा। और नंबर दो, जो उन्होंने जिस राशन का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया, उन्होंने कहा कि 143 रुपये गंदम के ऊपर और 143 रुपये चावल के ऊपर जो है वो इनको कमीशन मिल रहा है पर क्विंटल। तो ये इन ऐसे जो राशन कार्ड हैं, जो वो NFSA का राशन है, ये जो कमीशन है 143 रुपये वो गंदम और चावल के ऊपर जो मिल रहा है वो मिल रहा है NFSA के राशन कार्ड के ऊपर। तो ऐसे कार्डों की संख्या बहुत ही कम डिपो के ऊपर है। माननीय मंत्री जी को जानकारी अधूरी जुटाई गई थी, वो चाहे वो किसी भी सूत्र से उन्होंने वो जानकारी जुटाई है, तो इनको पूरी जानकारी लेके ही ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए थी कि ऐसे राशन कार्ड जो है वो उनकी संख्या कितनी है डिपो के ऊपर और कितने राशन कार्ड किस डिपो के ऊपर है। जो APL का राशन है, APL के राशन कार्डों की संख्या जो वो हर डिपो के ऊपर ज्यादा है। जो शहरी क्षेत्र में डिपू हैं उनमें तो ये नाम मात्र के राशन कार्ड हैं NFSA के, BPL के, तो उनकी कमीशन तो बिल्कुल नहीं बनती। अगर 50 किलो चावल या 1 क्विंटल चावल या गंदम किसी की बन गई तो इसके ऊपर कितना बन जाएगा उसका। तो माननीय मंत्री जी को APL के और BPL के NFSA के राशन कार्डों की जानकारी जुटा लेनी चाहिए थी, और उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि डिपो होल्डर्स को प्रदेश सरकार जो क्या दे रही है। और जो दूसरे राज्यों के साथ जो तुलना की गई, जैसे पंजाब की बात है, पंजाब जो राज्य है उसमें मात्र 6 महीने में एक बार जो गंदम दी जाती है, सिर्फ गंदम दी जाती है, और गंदम के ऊपर जो है वो 47.5 रुपए कमीशन है पर क्विंटल के ऊपर, और 6 महीने में एक बार जो है वो डिपो होल्डर जो है वो अपना कमीशन जेब में डालता है पूरे 6 महीने का, और 5 महीने कोई और काम करता है। और जो प्रदेश के डिपो होल्डर, हमारे हिमाचल प्रदेश के डिपो होल्डर, उनको 365 दिन के लिए 365 दिन बिठाया जाता है डिपो के ऊपर, और कोई काम नहीं कर सकते रिपोर्टर। तो ऐसे जो कमीशन जो इस वक्त जो प्रदेश के हमारे डिपो होल्डर हैं उनको मिल रहा है, या जो हमारे सहकारी सभाओं के विक्रेता हैं उनको 400 रुपए से, मतलब ऐसे विक्रेता भी हमारे हैं जिनको 400 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है, और जबकि इनके जो सर्विस रूल हैं 2001 में बने थे और उसके मुताबिक इनको जो है वो स्केल नहीं दिए जा रहे, जो मतलब संशोधित वेतनमान इनके जो है उसके मुताबिक भी इनको वेतन नहीं दिया जा रहा। तो 400 रुपए महीना के ऊपर या 2000 या 1500 रुपए कमीशन के ऊपर कौन सा ऐसा डिपो है जो अपने परिवार को पाल सके, या कौन सा मंत्री है या कौन सा विधायक है जो 500 रुपए में या 1000 रुपए में अपने परिवार को पालता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये आग्रह है कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करिए और हमारे बारे में सोचिए, और आने वाले लोकसभा चुनावों में जो 2019 में लोकसभा चुनाव है, अगर उससे पहले हमारे बारे में सरकार नहीं सोचती है, या मैनिफेस्टो में जो उन चुनावों का मैनिफेस्टो है उसमें हमारा जो राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल अगर हमारी इस बात को रखेगा तो डालेगा अपने मैनिफेस्टो में, तो हम उस राजनीतिक दल का साथ देंगे। और डीपू होल्डर्स इतनी क्षमता रखते हैं कि कम से कम 100-150 वोट का, 200-200 वोट का जो है वो फर्क जो है किसी भी राजनीतिक दल को डाल सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर प्रदेश सरकार प्रदेश को BPL मुक्त करने जा रहा है, तो ना तो अब ऐसा राशन डीपुओं में आएगा और ना ही डीपू धारकों को कमीशन मिलेगा। कवि ने कहा कि प्रदेश के डीपू होल्डर 365 दिन डीपुओं में बैठते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। इस समय प्रदेश के डीपू होल्डरों को जो कमीशन मिल रहा है
इसके अलावा सहकारी सभाओं के विक्रेताओं को मात्र 400 रुपया वेतन दिया जाता है, जबकि इनके सर्विस रूल 2001 में बने थे और उसके मुताबिक इनको ये स्केल नहीं दिया जाना चाहिए और संशोधित वेतनमान मिलना चाहिए। कवि ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग निगम के डिपुओं में जो भी विक्रेता काम कर रहे हैं उसी तर्ज पर अन्य डिपो धारकों को भी वेतन दिया जाना चाहिए। यदि सरकार ने शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो डिपो धारक प्रदेश व्यापी हड़ताल भी करेंगे। अगर हमारी इन समस्याओं का, हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम सरकार के अगेंस्ट काम करेंगे, बिगुल बजाएंगे। और जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसमें हमने पूरा साथ दिया था, पूरी प्रदेश के जितने भी डिपो धारक है, चाहे वो सहकारी सभाओं के विक्रेता हैं या वो प्राइवेट डिपो होल्डर हैं, इन सब ने सरकार का साथ दिया था। इसका कारण ये था कि पिछली सरकार ने हमें अपमानित किया था, बार बार हमें बुलाया गया था और आश्वासन दिए गए थे, बावजूद इसके हमारा काम नहीं किया था। उसका कारण था कि हमने विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ दिया था और अब भी अगर हमारा काम करते तो हम अब भी साथ हैं। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले शीघ्र ही कुछ ही दिनों में हम एक प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे और उसमें कोई निर्णय जो है वो प्रदेश के सभी डिपो होल्डर हैं वो ऐसा निर्णय लेंगे जिससे सरकार हिले और सरकार को ये पता चले कि डिपो होल्डर हैं क्या, इनकी शक्ति।